देर इज एक्सीडेंट हैपेंड ओवर हियर। हमारे से आगे चलने वाला ट्रक रैश ड्राइविंग करते हुए काफी उछल कूद कर रहा है और ये इनफ्लेमेबल होता है। व्हाट्स अप पीपल, कुलदीप बैक विद अनदर वीडियो। आज डेट में राइड की और आज की राइड में स्टार्ट की थी पांग से, तो पांग से छोटी मोटी क्लिप रिकॉर्ड की थी, वो आप एंजॉय कीजिए। फिर आइए लाचुंगला। लीविंग फ्रॉम पांग, पांग की हाइट थोड़ी ज्यादा है, 15,280 फीट है। पे स्टे करना इतना कम्फर्टेबल नहीं होता है, ठंड भी ज्यादा होती है और आपको ऑप्शन वगैरह भी नहीं मिलते इतने। बट आगे कुछ इश्यूज वगैरह थे, वाटर क्रॉसिंग वगैरह थी, जिसके कारण कोई भी बाइकर आगे नहीं जा पाया। कल की शाम काफी टफ थी, बूट्स गीले हो गए थे जिसके कारण बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। ठंड तो वैसे भी ज्यादा थी, प्लस बारिश होने लग रही थी, बारिश तो नहीं ड्रिजलिंग थी। बूट्स वगैरह गीले हो गए थे, जैकेट वगैरह भी हल्की हल्की गीली हो गई थी, बट इतनी नहीं थी। बट फील उस टेम्परेचर में काफी ज्यादा फील हो रही थी। बूट्स अब भी गीले हैं, बूट्स ड्राई होने चाहिए, अदरवाइज दिक्कतें हो सकती है, बीमार पड़ सकते हो। बट ऑप्शन ही नहीं थे हमारे पास, सर्चों में भी इतने ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं है, बट इससे बेटर मिल जाएंगे आई थिंक। बंदे ज्यादातर सर्चों में जाकर रुकते हैं, तो काफी टफ नाइट के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग तो थोड़ा सा रिलीफ। ऑल्दो टफ नाइट थी बट कोई बीमार नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक है। बाकी देखते हैं आगे, ट्रैफिक जाम तो रहता है नकीला के आसपास, यहाँ के ट्रक वगैरह काफी चलते दिखाई देते हैं। सर्चो दिखा रहा है यहाँ से 74 किलोमीटर, तो करीबन 2 घंटे लग जाएंगे अगर रोड अच्छा रहा तो, बट नकीला पड़ता है तो 2.5 घंटे के करीब लगा के चले। बट मैं रेकमेंड नहीं करता कभी पांग में रुके, बट इमरजेंसी के हिसाब से तो ठीक है, बट स्टे के ऑप्शन इतने अच्छे नहीं है। टेंट में इसलिए नहीं रुके, ठंड पहले लग रही थी। लास्ट टाइम मैं कारू रुका था, कारू के पास सीधा डायरेक्ट मैं गया था, केलोंग से आगे निकल गया था मैं। वैसे केलोंग ही रुक लेता तो बेटर रहता, क्योंकि रोहतांग पास क्रॉस नहीं कर पाया उस टाइम, किसी ने जान नहीं दिया क्योंकि काफी लेट हो गया था, अंधेरा हो गया था। अगर डे के टाइम निकल जाता तो ठीक है, अदरवाइज रेकमेंड नहीं करते कि रोहतांग पास क्रॉस करें, क्योंकि वहां पे कीचड़ वगैरह ज्यादा होता है और दिक्कतें ज्यादा होती है वहां पे। सबसे सेफ बेटर थी ले से सीधा केलोंग जाए, सुबह मॉर्निंग में जल्दी स्टार्ट करें। बट कल हमारे पास इवनिंग में काफी ज्यादा टाइम था, सोचा कि कुछ ना कुछ तो कवर करें यहाँ पे स्टे करने से बेटर, क्योंकि आज हमने सोचा कि मनाली तक लगा ही दें, बाकी रोड कंडीशन बताएगी। ये नकीला के आसपास ये ट्रक वगैरह ज्यादा ही मिलते हैं, लास्ट टाइम भी बहुत ज्यादा मिले थे। लाचुंगला पे पहुंच गए हम, लाचुंगला पहुंच गए हैं। इसकी हाइट है 16,616 और रुके थे हम पांग पे जिसकी हाइट है 15,280, तो एल्टीट्यूड ज्यादा गेन हुआ नहीं है। रोड काफी देखो कैसे हालत हो गई, रोड की हालत के कारण देखो, देखो और देखो लगेज दिखाता हूँ मैं, लगेज है ना, हालत बुरी, काफी बुरी हालत हो गई है। 22 किलोमीटर चले, करीबन 1 घंटा लग गया और आज हमने जाना मनाली, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। मेरे हिसाब से कर भी पाएंगे, रोहतांग पास के ऊपर बात होती है, अगर हम टाइम पे रोहतांग पास पे पहुंच जाते हैं तो इजिली हम नीचे उतर जाएंगे, 40-50 किलोमीटर पड़ता है वहां से, तो काफी टफ राइड होने वाली है। चलते हैं थोड़ी देर, एक दो फोटो क्लिक करते हैं फिर निकलते हैं। नकीला पहुंच गए हैं, जैसे कि आप देखते हैं एल्टीट्यूड ज्यादा नहीं है, 15,547 फीट है। तो कितना टाइम लगा मैं, 20 मिनट लगे नीचे से ऊपर आने में, तो बहुत ही जल्दी आ गया। रास्ता भी काफी क्लीन था, और क्लीन मतलब वैसे क्लीन नहीं, अच्छा बना हुआ था। तो अभी सर्चू यहाँ से दिखा रहा था 44 किलोमीटर, तो सर्चू पहुँचने में आई थिंक मैक्सिमम 1 घंटा लगना चाहिए रास्ता अगर ऐसा ही रहता है तो। ये वाला नीचे वाला नहीं, ये वाला रहता तो 1 घंटा लगेगा, नहीं तो 1.5 घंटे करीब लग जाएगा। फिर सर्चू के आगे थोड़ा बहुत रूट खराब है, 12 लाख से फिर आगे चलने के बाद रूट अच्छा हो जाता है। घाटा लूप स्टार्ट हो गए हैं यहाँ ऊपर से, और वैसे ऐसे नीचे 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 राउंड राउंड जाएंगे हम, इनको घाटा लूप बोलते हैं। चढ़ने में शायद ज्यादा दिक्कत आती है उतरने के, वो तो ऑब्वियसली है ही। गाड़ी ऐसे लाइन से जा रही थी बिल्कुल आराम आराम से, धीमे 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 ओवरटेक करने की तो कोई जगह सोच ही नहीं सकता, करना तो छोड़ो। वैसे व्यू जबरदस्त है यहाँ के, बाइक निकलने में दिक्कत आ रही है, गाड़ी से तो कैसे निकलेंगे। ट्रक एंड गाड़ियां ना रेंगती हुई चल रही है बिल्कुल आराम से, धीमे 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 धीमे, और गजब का व्यू फ्रंट में। बट है ना ऐसे टाइम पे ना रोड पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, रुक के देख लो चलते हुए नहीं। पॉइंट है कौन सा यहाँ पे बोतल वगैरह डालते हैं, कैसे क्या रहता है मुझे नहीं पता। इस पॉइंट का काफी मशहूर पॉइंट है, काफी बार सुना है मैंने बट अभी याद नहीं आ रहा है एट अ मोमेंट। एक बार चल रही थी ग्रुप में बात, जो मोटरसाइकिल टूरिंग ग्रुप है वहाँ पे, तो वहाँ पे बता रहे थे कि कैसे ये फेमस हुआ और क्या हुआ, यहाँ पे डालना जरूरी होती है बोतल वगैरह। यहाँ से दिखाता हूँ मैं, देखो कितना जबरदस्त लग रहा है, इसलिए इसको घाटा लूप्स बोलते होंगे। ऐसे घाट सेक्शन हो गया और ऐसे नीचे हेयर पिन बैंड्स वगैरह हो गए, और कितना खूबसूरत लग रहा है देखो वहां से यहाँ तक, जबरदस्त एकदम अद्भुत। यहाँ 2 मिनट रुक के देखे क्या गजब लग रहा है। और ये वो सेम ट्रक है जिनसे हमने 2 बार ओवरटेक कर चुके हैं, और तीसरी बार कहेंगे भाई क्यों क्यों हमें परेशान कर रहे हो। देयर इज एक्सीडेंट हैपेंड ओवर हियर, और किस्मत है मेरे हिसाब से बच गए वो, जिस हिसाब से गाड़ी की हालत दिख रही है ना। यहाँ से दिखाता हूँ मैं, देखो
फ्रंट का शीशा भी नहीं टूटा हुआ है, बस पलटी हुई है, नीचे नहीं गई, किस्मत है मेरे हिसाब से, और सारे बच गए लगता है मुझे। मुझे लगता है उनको पूरी जिंदगी गॉड से प्रे करनी चाहिए कि वो बच गए ऐसी जगह से। दिस इज क्लोज टू इम्पॉसिबल है कि यहाँ से अगर गिरे और बच जाए और ऐसे अटके। विंडस्क्रीन भी नहीं टूटी है फ्रंट की, ये भी देखो ना, वो देखो ना गाड़ी कहाँ पे अटकी हुई है, देखो देखो वहां से गिरते तो कहाँ जाते। देखो हमारे साथ चलने वाला ट्रक रैश ड्राइविंग करते हुए काफी उछल कूद कर रहा है, और ये इनफ्लेमेबल होता है क्योंकि इसमें पेट्रोल या डीजल जो भी है कैरी कर रहे हैं, थोड़ा सा नहीं काफी दूर रखना चाहिए डिस्टेंस, और काफी चल रहे हैं तो यहाँ से मारते हैं पहले एक ओवरटेक, और ये नहीं देने वाला जगह मुझे। फाइनली इसको रोक राख के निकल गए हम आगे, अभी आगे चार पांच और हैं। ओह माय गॉड कैसे निकले इनसे आगे, आगे से बाइक वाला आ रहा, बाइक वाला सक्सेसफुली दूसरा ओवरटेक हो चुका है, अब तीसरे की बारी। आगे से कुछ आ रहा है तो हम उसका मौके का फायदा उठाते चौका मार देते हैं, दो से ओवरटेक कर लेते हैं, ये इशारा देते हुए कि आप ओवरटेक कर सकते हैं। दो बजे हॉर्न दिया है मैंने और इसने दिया मौका और मैंने मारा चौका, बच गया एक लास्ट, कभी ये ना कर दे ब्लास्ट। तो जल्दी से निकलते हैं इससे आगे, प्लीज स्माइल, ई कोई कैमरा नहीं है, स्माइल प्लीज। कैसे करें हम, देखो भाई हम ऐसे ओवरटेक नहीं करेंगे, ऐसे रोड पे जगह दोगे अच्छी तरह तभी निकलेंगे। और सरचू 15 बज गया है, क्या हम इस सरचू से पहले ओवरटेक कर पाएंगे, जानते हैं ब्रेक के बाद। ये कह रहा है ओवरटेक करके तो दिखाओ, मैं मौका ही नहीं देता तुम्हें। चलो आई थिंक स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, यही है ना, पूरा मौका दिया उन्होंने निकल जाने के लिए और हम आगे निकल गए स्मूथली। और अब आने वाला है सरचू, वहां राइट साइड में रास्ता दिख रहा है आपको, वो पानी आ रहा उधर से, वहां पे जाना है अभी। पहले यहाँ काफी आगे तक जाएंगे और फिर घूम के उधर जाएंगे हम, तो काफी लंबी फटीक होती है ये। मुझे लगता है कुछ ना कुछ सोल्यूशन करना चाहिए इसका। वो दिख रहा है एक बाइकर वहां पे, हम ऐसे ऐसे इधर जा रहे हैं, वो ऐसे ऐसे इधर जा रहे हैं, जाना उधर ही है, हम आधे घंटे बाद उधर होंगे। सरचू पहुंच गए हैं, यहाँ पे आपको ज्यादा बेटर ऑप्शन मिलते हैं एज कम्पेयर टू पांग। यहाँ पे कैंप भी अच्छे हैं और लाइक एक सेपरेट कैंप होगा, ऐसा नहीं है कि लाइक उसी में खाना उसी में सब कुछ उसी में सब कुछ, समझ गए ना। और यहाँ पे एंट्री करानी पड़ेगी मुझे, आई थिंक लास्ट टाइम भी हुई थी। तो सरचू ही रुक गए हैं और अभी ले रहे हैं बिस्किट, ले रहे हैं लिमका पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं और लेज खा रहे हैं। ये मच बेटर ऑप्शन है पांग से, अगर कभी भी आए पांग से बेटर, अगर आप कुछ सोच रहे हैं पांग सबसे थिंक वर्स्ट ऑप्शन है, बेटर आप सरचू तक आए। अगर सरचू तक नहीं पहुंच सकते हैं तो आप बेटर वहीं स्टे किए ले में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अपनी राइड स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है, खाना भी इतना अच्छा नहीं मिला है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, होटल तो नहीं मिलने वाले, कैंप्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको होटल ही चाहिए तो आप फिर सीधा ले से आप जाइए जिस्पा या फिर केलों, और आप मनाली लगा देते हैं तो बात ही अलग है, पर वो बहुत मुश्किल है क्योंकि रोहतांग पास शाम को क्लियर करना मतलब महाभारत बहुत टफ होता है, बहुत रिस्की भी होता है, सेफ भी नहीं है। और एक चीज बताना चाहता था कि नेटवर्क नहीं आते बीच में, नेटवर्क के ऑप्शन आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, बीएसएनएल के भी शायद आपको ऑप्शन ना मिले। लेजर थोड़े से आगे तक जाएंगे तब तक आपके नेटवर्क आएंगे, और आपको शायद 12 लाख तक क्रॉस करने के बाद आपको नेटवर्क मिलने वाला। बाकी जो अपडेट होगा इसके रिगार्डिंग नेटवर्क के बारे में मैं बता दूंगा आपको। रस्तों की हालत बहुत बुरी, और अभी यहाँ से जाने वाले ऊपर 12 लाख पास के लिए। स्नो काफी अच्छी मिलती है 12 लाख पे, और इस बार पानी भी मिल रहा है। और फिर लास्ट टाइम वाली बात करूंगा मैं, लास्ट टाइम पे तो 12 लाख लिया चला था, मुझे पता ही नहीं चला मैं पास से पहुंच गया। मैंने पूछा कि ऊपर कैसा मौसम है, पास पे बोले यही तो पास है बस, ये मुश्किल से 500 मीटर ऊपर। मैं बोले ये क्या बात है, रास्ते एकदम कैसे रिबटने वाले, चिकने फिसलती जाती है बाइक एकदम, आह मजा आता है। और इस बार ऐसे है उछलने वाले, उछल ही रहे हैं बस। नीचे तो पिछली बार भी खराब थे बट ऊपर के रास्ते तो काफी अच्छे थे। रोड कंडीशन बहुत ही बेकार है, रोड कंडीशन भी गानी, रोड ही नहीं लग रहा मुझे तो यहाँ तो। अभी 12 लाख लगे टॉप पे खड़े हैं, ये 12 लाख का टॉप, और ये साइड में देखिए आप क्या गजब लग रहा है ना, मस्त झक्कास। जाने का मन नहीं कर, इतनी ठंड भी नहीं लगी, बट बूट्स बिल्कुल गीले हो गए, पानी चला गया इसके अंदर, और इतना ज़्यादा पानी था उम्मीद नहीं थी इतना पानी मिलने वाला है, वो भी 12 बजे हैं, 12:30 बजे होंगे ज़्यादा तो। और मैडम कैसा लग रहा है आपको, ठंडा नहीं है ना, ठंडा नहीं है पर मज़ेदार है, स्नो देख के मज़ा आ गया। अभी एक दो फोटो क्लिक करेंगे, इतनी ज़्यादा स्नो है तो फोटो तो बनती है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में।
सामने देख रहे हैं ये है सूरज ताल, जो कुछ पोर्शन जमा हुआ है ये वाला। नहीं तो काफी बार ऐसा होता है कि ज्यादा जमा होता है, कम पानी दिखाई देता है, बट इस बार जुलाई में आए इतना जमा हुआ नहीं है। नहीं तो आप जून में आएंगे, स्टार्ट में आएंगे तो डेफिनेटली ज्यादा जमा हुआ दिखाई देगा आपको। यहाँ से अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिंगजिंग बार है, खेल होंगे जिसपा के पास ब्रेक लेंगे, उसके बाद रोहतांग पास के लिए हम निकल जाएंगे। से निकल रहे हैं, यहाँ पे कैंपिंग का ऑप्शन बहुत ज्यादा है, होटल और होम स्टे भी वगैरह मिल सकते हैं आपको, रिवर साइड कैंपिंग होती है यहाँ पे, एल्टीट्यूड भी काफी कम है जिससे दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। दरचा से रास्ते अच्छे हो जाते हैं, उससे पहले भी रास्ते थोड़े बहुत अच्छे हैं, बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग वगैरह आती है, थोड़ा सा दिक्कत करती है, बट उससे आगे रास्ते एकदम स्मूथ हो जाते हैं। दरचा में एंट्री भी होती है जहाँ पे लाइक व्हीकल नंबर और आपका नाम लिखा जाता है। सीसू से भी निकले ही हैं, यहाँ पे कहीं होना चाहिए टनल, पानी में से तो नहीं होगा, होना चाहिए आसपास। आज मैं घुस के ही मानूंगा, मजाक कर रहा था, सीरियस मत लेना। यहाँ पे है क्या टनल? यहीं पे लग रहा है मुझे कुछ काम चल रहा है जबरदस्त वाला, देख लो आप, यहीं से कुछ कनेक्शन होगा टनल वनल का। ये रही ना टनल, ये रही उधर रही, तो कैसे निकलेंगे इसमें से? कैसे भी नहीं निकल सकते अभी तो, कैसे जबरदस्ती घुस जाएं? बंद पड़ी है अभी तो, काम चल रहा है, टाइम लगेगा। ऊपर का वेदर इतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्लाउड कोर दिख रहे हैं साफ साफ। वैसे रोहतांग पास पे होता ही है, कभी कभी मौसम साफ होता है, और अभी तक तो रास्ते सही है। रोहतांग पास जाने से पहले ना एक एंट्री होती है, देखो उधर क्लाउड कोर रहे हैं, रोहतांग पास जाने से पहले एक एंट्री होती है, वो एंट्री करा दी है। अब आई थिंक इससे आगे कोई एंट्री नहीं होने वाली है, उधर के मड़ी के पास रास्ते बिल्कुल खत्म है, कीचड़ ही कीचड़, ट्रक है, ओवरटेक भी नहीं कर सकते, आगे से कोई गाड़ी आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। ये हमारे बगल में से निकालने की कोशिश, अभी तक तो फेल ही हो रहे हैं, और अब उन्होंने फाइनली निकाल लिया है, तो हम भी निकाल लेते हैं। क्या पास है, आगे उतर तक तो नहीं है ऐसा, रोहतांग पास आता रहता हूँ मैं, इतना बेकार नहीं होता नीचे उतरना, इनफैक्ट बहुत अच्छा होता है, रोड काफी अच्छे क्लीन साफ सुथरे नए बने हुए हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा ना क्लाउड कवर फॉग का ऐसा हमेशा ही रहता है सीन। दिस इज रोहतांग पास, यहाँ फॉग मिलती है बहुत चांसेस, उधर बैटरी एकदम से 50 से 16 हो गई है और पता नहीं कितनी जल्दी जाएगी, बट ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। तो चलिए अभी नीचे की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, सब कुछ ऑन कर रखा है, लाइट लुइट इंडिकेटर पिंडिकेटर जो भी है सब कुछ ऑन है, और ये रोहतांग पास सपना। साढ़े पाँच बजे मैं मनाली पहुंच गया था, 6:15 तक मैंने होटल ले लिया, यानी कि होटल में मैं एंट्री कर गया था, और रूम में 6:30 तक आ गया मैं, उसके बाद शावर लिया और थोड़ा सा रेस्ट किया। अभी रात के बज चुके हैं 9, अभी भी नींद आ रही बहुत जबरदस्त, छोटा सा काम करना है, डाटा ट्रांसफर करना है, फिर सो जाना है। अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक किए बिना मैं जाना, तो मिलते अगली वीडियो में।